नमस्कार दोस्तों, टेक माय वे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड से एक अच्छा सा रिज्यूम बना सकते हैं। तो आजकल हमें हर जगह रिज्यूम की ज़रूरत पड़ती है और किसी भी जगह हम अप्लाई करते हैं किसी भी जॉब के लिए, तो हमें सबसे पहली चीज़ कोई चाहिए होती है तो वो है रिज्यूम। तो अगर आप रिज्यूम बनाना सीख लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहता है, ताकि आपको कहीं भी साइबर कैफ़े में ना जाना पड़े या फिर आप खुद घर में ही बना के उसे दूसरे जगह पे ईमेल कर सकें। सबसे पहले हम अपना एमएस वर्ड ओपन करेंगे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आएंगे। यहाँ से सबसे पहले हमको क्या करना है कि अपना जो पेज का लेआउट हो चेंज करना है, तो पेज लेआउट में जाइए, यहाँ से साइज में जाइए और यहाँ से इसे A4 साइज का कर लीजिए। A4 साइज कर लेने के बाद फिर से होम में जाइए। अब सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है रिज्यूम या फिर बायोडाटा, आप जो भी लिखना चाहें। तो लिखिए रिज्यूम। रिज्यूम लिखने के बाद इसे सेंटर में कर लीजिए इस जगह पे जाके। अब इसको हमको बढ़ाना है, इसकी ये मेन हेडिंग है तो इसको फॉन्ट को आप बढ़ा लीजिए, इसके साइज को। ये हमारा रिज्यूम हो गया। अब उसके बाद सबसे पहले हमको फिल करनी होती है वो होती है पर्सनल डिटेल्स। तो हमको अपने पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी होंगी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइड में पर्सनल डिटेल्स। इसको हम थोड़ा साइज को बढ़ा देते हैं कि थोड़ा एक सब हेडिंग टाइप का हो जाता है, इतना ठीक रहेगा 16 में। अब इसको हम बोल्ड कर देते हैं। नेक्स्ट में हमको क्या करना है कि कॉलम लेना है, 3x5 का कॉलम लेना है। तो हम यहाँ से जाएंगे इंसर्ट में, ऊपर इंसर्ट से जाएंगे टेबल में और यहाँ से हम 3x5 का कॉलम ले लेते हैं। ये हमने हमारा कॉलम ले लिया है। सबसे पहले हम सबसे राइट साइड वाले को मर्ज करेंगे, तो कंट्रोल क्लिक करके हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम इसे मर्ज कर लेंगे मर्ज सेल्स में। तो सबसे पहले हम अपना फ़ोटो देते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, आप इंसर्ट में जाएंगे, ऊपर इंसर्ट से जाएंगे पिक्चर्स में और अपना फ़ोटो आपने जहाँ भी सेव करके रखा होगा अपने कंप्यूटर में, वहाँ पर जाके अपना फ़ोटो इंसर्ट कर लीजिए। फ़ोटो सेलेक्ट हो जाने के बाद इसे अच्छी तरह से रिसाइज कर लीजिए, ताकि आपके पिक्चर में फिट बैठ जाए जितना आप साइज देना चाहते हैं और इन लाइंस को सही तरीके से साइज में ला लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एंटर करेंगे नेम, नेक्स्ट में एड्रेस, नेक्स्ट में हम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं क्योंकि ईमेल आईडी हर जगह हमें डिमांड करता है। फिर आप अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर जो कहें। लास्ट में हमारा आता है मार्टियल स्टेटस, जो आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, मैरिड है या अनमैरिड। इन सभी को हमको बोल्ड में कर लेना है। यहाँ से आप इसे सबको बोल्ड में कर लें। तो सबसे पहले हम आपके पर्सनल डिटेल्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स एंटर कर लें। जब आप डिटेल्स भरिएगा तो ये बोल्ड में नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल में होना चाहिए, तो आप इसे नॉर्मल में ही रहने दें। तो ये सबसे पहले हमारा हो गया पर्सनल डिटेल्स। अब हम आते हैं अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस देना पड़ता है हमें, तो हम लिखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। नेक्स्ट में हम फिर से कॉलम लेंगे क्योंकि हमको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस डालनी है। तो आप अगर डिपेंडिंग अपॉन डैट कि आप कितना ज़्यादा आप कॉलम और रो लीजिएगा, तो मैं यहाँ 5x3 का ले रहा हूँ। तो टेबल्स में फिर से जाइए और 5x4 का ले रहा हूँ और उसके बाद इसे सेलेक्ट कर ले। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको देना है सीरियल नंबर, नेक्स्ट में आपको देना है डिग्री, नेक्स्ट में देना है ईयर, कौन से ईयर में आपने पास आउट किया था, बोर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं कौन से बोर्ड से दिया था, और फिर यहाँ पे परसेंटेज या फिर CGPA जो भी आपका मिला हो। ये कॉलम बनाने के बाद आपको क्या करना है, सीरियल नंबर देना है 1, 2, 3। अब यहाँ पे आपको क्लासेस लिखनी है जो जो पास किए हैं आपने। तो 10th सबसे पहले होता है, उसके बाद 12th,
एंड देन नेक्स्ट में डिग्री, बैचलर जिसे भी लिख सकते हैं। थर्ड में आ जाता है कि आप डिपेंड करता है आपने क्या किया है, बीटेक किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ईयर दे दें, यहाँ से हमारा ईयर फिल हो चुका है। अब नेक्स्ट में आता है बोर्ड, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कौन से बोर्ड से आपने पास आउट किया है। तो यहाँ से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो जाता है। यहाँ पे आप अपने परसेंटेज लिख सकते हैं आपके कितने परसेंटेज आए थे। तो ये दो चीज़ें हमारी यहाँ पे फिल हो चुकी है, पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो अगर आपने कहीं पे पहले काम किया है तो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस भी नीचे में बना सकते हैं, अदरवाइज अपनी एबिलिटीज़ या हॉबीज़ की यहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा अगर आपने कहीं पे काम किया है, ज़ूम करता हूँ, और उसका वर्क एक्सपीरियंस कैसे लिखना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे एक और सब हेडिंग दीजिए वर्क एक्सपीरियंस, फिर से इधर आइए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है प्रोजेक्ट का नाम जहाँ पे आपने काम किया था। नेक्स्ट में आता है टीम मेंबर्स आपके कितने थे, फिर आपका टाइटल क्या था। नेक्स्ट में ड्यूरेशन, आपने कितने दिन तक वहाँ पे काम किया। तो यहाँ से हमारा वर्क एक्सपीरियंस का भी जो कॉलम है वो पूरा हो जाता है। अगर आपका पहले का कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो वर्क एक्सपीरियंस की जगह पे आप लिख सकते हैं अपनी स्किल्स की, आपकी क्या क्या स्किल्स हैं जो एक्स्ट्रा जो क्वालिफिकेशन है उसके अलावा, और या फिर आप में क्या क्या जो एबिलिटीज़ हैं वो सब चीज़ें आप यहाँ पे भर सकते हैं। अपनी हॉबीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब आपको लास्ट में डिक्लेयर करना है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो आपके हिसाब से सही है। तो आपको लिखना है आई तो डिक्लेरेशन करने के बाद आपके पास आप लास्ट में दो चीज़ें बचाती है। पहला है डेट, या आप कुछ डेट को अपना रिज्यूम सबमिट कर रहे हैं या किस डेट की आपकी इंटरव्यू है। उसके बाद आपका आ जाता है सिग्नेचर, जो आप डिजिटली साइन कर सकते हैं या फिर जब पेपर में आप इसे प्रिंट आउट करिएगा तब साइन करके दे सकते हैं। तो यहाँ से हमारा एक सिंपल से रिज्यूम कंप्लीट हो जाता है। तो रिज्यूम का क्या होता है कि बहुत से लोग अननेसेसरी डिटेल्स अपने भर देते हैं जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। आप अपने रिज्यूम को जितना प्लेन और डायरेक्ट पॉइंट में रखिएगा, सिंपल रखिएगा, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जो जो आपका रिज्यूम पढ़ता है उसके पास पूरा दिन भर का टाइम तो रहता नहीं है, वो बस स्कैन करता है। तो ऐसे रखिए कि आपके बारे में उसे अच्छे से पता चल जाए बस एक स्कैन करने से। तो एक और चीज़ हो सकती है कि अगर ये आपके कॉलम्स अच्छे नहीं लग रहे हैं आपको, तो आपको क्या करना है कि इसमें क्लिक करना है और इस जगह पर क्लिक करना है, यहाँ पर इसे सेलेक्ट करिए और फिर राइट क्लिक करिए अपने माउस में, सबसे नीचे जाइए टेबल प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ से फिर जाइए बॉर्डर्स एंड शेडिंग में। अब इसको नन में कर दीजिएगा तो आपका जो सारे लाइंस है वो हट जाएंगे, फिर ओके कर दीजिए, फिर ओके। तो यहाँ से आपके जो सारे लाइंस है वो हट जाते हैं, आप आपकी अपनी मर्जी आप इसे रखना चाहे या नहीं। तो इस तरह से हमारा एक अच्छा रिज्यूम बन जाता है। इस रिज्यूम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, गूगल ड्राइव के लिंक में, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स को सिर्फ चेंज कर देंगे और फोटो को, तो आपका काम बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, कि काम की होगी, काम की आई होगी। तो लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं रेड कलर वाले बटन में क्लिक करके। बेल आइकन को भी दबाइएगा क्योंकि नई वीडियो लाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।